Hello everyone, myself Munawwar Hussain and I am from Advanced Study. As you know very well that we are making videos on about areas of parallelogram. Now we are discussing our new exercise, that is exercise number 9.3 from chapter number 9, areas of parallelograms and triangles. So what is the first question in figure 9.23? This is a 9.23 figure. You can see the figure in your notebook, sorry book. E is any point on the median AD of a triangle ABC. Show that area of ABE is equal to area of ACE. देखिए बच्चों, इसमें एक सबसे ज़्यादा important चीज़ है. यहाँ पर एक लव्ज यूज़ हुआ जिसका नाम है median. Median. ये median क्या होता है? देखिए, एक triangle में जब एक median पड़ता है तो वो एक फिगर को टू ट्राइंगल्स में बांट देता है और दोनों ही इक्वल ट्राइंगल्स में बांटता है, उनका एरियाज इक्वल कर देता है. सपोज करिए मैंने ये ट्राइंगल बनाया. ट्राइंगल में मैंने कहा ए बी सी मेरा एक ट्राइंगल है. यहाँ पर मैंने एक मीडियन डाल दिया जिसका नाम है डी. ठीक है, ए डी पूरा इस मीडियन का नाम है ए डी. और यहाँ पर ये जो डी पॉइंट होगा, ये डी हमारा मिड पॉइंट कहलाएगा. क्या कहलाएगा? मिड पॉइंट. इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये जो D पॉइंट बनेगा, ये आपका सिर्फ और सिर्फ जब ही बनेगा जब AD एक मीडियन कहलाएगा. और मिड पॉइंट है तो मीडियन जरूर डलेगा. अब इसका दूसरा केस क्या है, यानी कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कि आपके पास दो एरियाज बने, एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD और दूसरा आपके पास ट्राइंगल बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD. ये जो दोनों एरियाज बने, ये दोनों ही एरियाज हमारे पास इक्वल होंगे. यानी कि अगर ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर एरिया आया तो ये भी कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ही एरिया आएगा. तो आपको मीडियन का केस थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है. और देखिए, मीडियन हमने बताया, मीडियन से क्या बनेगा? मिड पॉइंट बनेगा. मिड पॉइंट से ही मीडियन बन सकता है. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है एरिया ऑफ ए बी ई. ए बी ई इट मीन्स ये ऊपर वाला ट्राइंगल किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ए सी ई. ए सी इट मीन्स ये वाला ट्राइंगल. अगर आप फिगर को तोड़ के देखें तो आपका एक ये ट्राइंगल बन रहा है और एक ये ट्राइंगल बन रहा है. ठीक है, आपको इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वलाइज करना है कि ये दोनों ही ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है. चलो आप कर देखते हैं. जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा, अब हम इसका प्रूफ करते हैं. एडी इज अ मीडियन. एडी एक मीडियन है. मैं थोड़ा सा डायरेक्टली करूंगा, है ना. एडी मीडियन है तो देयर फोर एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी डी किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी के. ए सी डी के इट मीन्स कि ये वाला पूरा ट्राइंगल का एरिया इस वाले पूरे ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा. एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर वन आ गई हमारे पास. अब जैसे कि ये मीडियन है तो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट ई लगा हुआ है, जैसे इन्होंने कहा ई इज एनी पॉइंट द मीडियन ए डी. ई कहीं भी एक पॉइंट है मीडियन ए डी पर. तो अगर एक ट्राइंगल देखा जाए बी ई सी, एक ट्राइंगल देखा जाए, तो हमने देखा एक ट्राइंगल एन ट्राइंगल बी ई सी वी हैव. मैंने यहाँ पर एक लाइन लिख दिया छोटा सा वी हैव. तो यहाँ से क्या मेरा ई डी भी एक मीडियन हो सकता है? ई डी इज ऑल्सो अ मीडियन. ई डी भी हमारे पास एक मीडियन है. मीडियन का मतलब क्या है कि अब डी भी मिड पॉइंट हो गया और डी तो मिड पॉइंट था ही, तो ऑलरेडी ई डी भी क्या हो गया? एक मीडियन. और ए डी भी क्या था? एक मीडियन. तो ई डी भी क्या होगा? एक मीडियन हो चुका है. तो यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल्स के एरियाज फिर इक्वल हो जाएंगे. देयरफोर एरिया ऑफ ट्राइंगल, नीचे एक ट्राइंगल बना बी ई डी नाम दे दीजिए चाहे इसे. एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी सी ई डी दे देते हैं यहाँ पर. एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी. ठीक है, अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें. ठीक है, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ये ट्राइंगल है और यहाँ पर हमारे पास दूसरा ट्राइंगल बने हुए इस टाइप से, ये वाले ट्राइंगल है ना, ये वाले ट्राइंगल. अगर ऊपर वाले ट्राइंगल्स में से छोटा वाला ट्राइंगल माइनस कर दिया तो देखिए ये एरिया बचेगा, और नीचे वाला ट्राइंगल माइनस कर दिया तो ये एरिया बचेगा. बन गए वही ट्राइंगल्स हमारे पास.
इजिली बन चुके हमारे पास ट्राइंगल। तो ये कितना इजी था, हमने क्या करा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस होनी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी में से क्या माइनस होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी। इसी तरीके से इक्वल में एरिया ऑफ ए सी डी में से क्या माइनस होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी में से माइनस होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी, है ना, ये दोनों ट्राइंगल है। अब आप इमेजिनेशन करिए और इसको देखिए हम किन किन चीज़ों की बात कर रहे हैं। एरिया ऑफ ए बी डी, ए बी डी ढूंढ लीजिए, मिला, इसमें से माइनस करिए एरिया ऑफ बी ई डी, बी ई डी माइनस कर दीजिए। मैं चलिए अलग अलग बना के दिखा देता हूँ आपको, ए बी डी ये पूरा ट्राइंगल है, इसमें से आपको माइनस करना एरिया माइनस कर रहे हैं ना कि हम साइड्स। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि बी में से बी माइनस कर दिया और क्या बचा, ए डी, और डी से डी माइनस कर दिया तो हमारे पास सर ए बी ए ई बचा। दरअसल पॉइंट्स को माइनस नहीं करना है, हम एरिया की बात कर रहे हैं कि एरियाज को माइनस करना है। ये ट्राइंगल हमारे पास है, इसमें से नीचे छोटा वाला ट्राइंगल माइनस कर दिया, ठीक है। तो जब ये ट्राइंगल माइनस करा तो इतना एरिया बनेगा, तो इस ट्राइंगल का नाम क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई। देखिए ये प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ए बी ई, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास इस टाइप से था, इसमें से हमने कौन सा ट्राइंगल माइनस कर दिया, ये वाला नीचे वाला ट्राइंगल। तो अब हमारे पास कौन सा एरिया बचेगा, एरिया ऑफ ए सी ई, एरिया ऑफ ए सी ई आ चुका है हमारे पास। तो इन दोनों को माइनस करा हमने, तो ये क्या है, एरिया ऑफ ए, नाम इनके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी ई, और ये आपका प्रूफ हो चुका है, प्रूफ्ड। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। सो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की। इन ट्राइंगल ए बी सी इज द मिड पॉइंट ऑफ द मीडियन ए डी, शो दैट एरिया ऑफ बी ई डी इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। देखिए हर क्वेश्चन में फिगर नहीं होता, मैं आपको बार बार ये बात बता चुका हूँ, इस क्वेश्चन में भी फिगर नहीं है, आपको खुद बनाना है। ये कहते हैं बस एक ट्राइंगल ए बी सी है जहाँ पर ई मिड पॉइंट है मीडियन ए डी का, चलिए एक ट्राइंगल ए बी सी बना लेते हैं, ठीक है, ये ए बी और सी, ए बी सी एक ट्राइंगल बना लिया जहाँ पर ई क्या है, मिड पॉइंट है मीडियन ए डी का। चलिए एक मीडियन बना लेते हैं यहाँ पर डी, और यहाँ पे ए डी का जो मीडियन है मिड पॉइंट है वो ई है, ठीक है। देखिए जिस तरीके से हमने अभी आपको बताया मीडियन का केस क्या होता है, ट्राइंगल को हाफ ऑफ करना है ना, ट्राइंगल को हाफ ऑफ करना। अब यहाँ पर कहते हैं ये जो ट्राइंगल बी ई डी है, बी ई डी, बी ई डी ये वाला छोटा ट्राइंगल, ये छोटू सा ट्राइंगल है, इस पूरे ट्राइंगल का 1/4 है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं ए डी क्या है, ए डी इज द मीडियन, ए डी इज द मीडियन, ठीक है। तो डी क्या होगा, डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट, डी एक मिड पॉइंट है हमारे पास। तो अगर मैं बात करता हूं आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी ढूंढ लीजिए कहां पर है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी मिला, वो क्या पूरे बड़े ट्राइंगल के हाफ होगा, बड़े ट्राइंगल के हाफ यानी कि 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी, बड़े ट्राइंगल का हाफ होगा, यानी कि छोटा सा जो हाफ ट्राइंगल है पूरे का हाफ है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन है, ठीक है। अब जैसे कि ई बी क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट है, क्योंकि इन्होंने बता रखा है क्वेश्चन में ई इज द मिड पॉइंट, तो हमने लिखा सो ई इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। तो यहां पर जो मीडियन हो जाएगा वो दोबारा क्या हो जाएगा हमारे पास, मीडियन हो जाएगा हमारे पास बी ई, आपकी बार क्या होगा, बी ई इज द मीडियन, ठीक है, बी ई। आपके पास मीडियन क्या है, बी ई, पहले ट्राइंगल में मीडियन क्या था,
ये वाला मीडियन था, ये वाली लाइन। अब इस ट्राइंगल के अंदर, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली मीडियन है, तो ये छोटा वाला ट्राइंगल पूरे का हाफ होगा। तो छोटे वाले ट्राइंगल का नाम क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इज इक्वल टू हाफ होगा ऊपर वाले ट्राइंगल के, पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के, मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। दोनों ही इक्वेशंस को चलिए कॉम्बिनेशन बनाते हैं कुछ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। वी गेट, दोनों इक्वेशंस को यूज कर दें और देखिए एरिया ऑफ BED हमने ऐसे रिप्रेजेंट करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज रहने दिया। एरिया ऑफ ABD यहां पर भी क्या है? एरिया ऑफ ABD, एरिया ऑफ ABD इधर भी क्या है? एरिया ऑफ ABD ये किसके इक्वल है? 1/2 एरिया ऑफ ABC। अगेन एरिया ऑफ ABD इधर भी एरिया ऑफ ABD है, ये किसके इक्वल है? 1/2 एरिया ऑफ ABC के इक्वल है। तो इसके प्लेस पे हम 1/2 एरिया ऑफ ABC लिख सकते हैं, 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब इसे देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल आपको बन चुका है, यानी कि जो आपको शो करना था BED, BED 1/2, 1/2 मीन्स 1/4, 2 2 4 आ चुका है, 2 2 4 ABC, ABC भी है, यस बिल्कुल ABC है, तो आपको क्वेश्चन तो ये प्रूफ हो गया। सो एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ABC। तो ये भी बहुत इजी प्रूफ था। नाउ अब हम किसी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। सो आपको कैसा लगा ये क्वेश्चंस जो आपको, प्लीज़ हमें बताइए कमेंट्स में, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर एडवांस स्टडी। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच।